फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा। चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वीडियो तो ये देखिए गाइस, आज हम लेकर के आए हैं आलू और परवल की सब्जी, जिसमें ना टमाटर होगा, ना लहसुन होगा, ना प्याज होगा। बहुत अमेजिंग, क्योंकि आप लोगों को पता है इस समय टमाटर कितना महंगा चल रहा है, लहसुन कितना महंगा चल रहा है। तो इसलिए चलिए आज हम बनाते हैं बिना टमाटर, लहसुन और प्याज के यूनिक सी रेसिपी। तो देखिए, आलू थोड़ा सा हमारा मीठा था तो इस वजह से हमने नमक डाल दिया है। तो नमक क्या होगा, नमक सोख कर लेगा आलू और जो भी मीठापन है आलू का वो निकल जाएगा। इस तरह से थोड़े से पानी में नमक डालकर रख देंगे इस तरह से। और परवल को काट लिया है और छील भी लिया है, क्योंकि परवल के छिलके थोड़े से हम नहीं बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए परवल छिले हुए परवल अपनी कढ़ाई में डाल देंगे 2 स्पून ऑयल में। देखिए गाइस, सॉरी इसके लिए क्योंकि हमारी कढ़ाई गंदी है, इसलिए क्योंकि इसमें सुबह मॉर्निंग में हमने बच्चों के लिए पूड़ियाँ फ्राई करी थी, उसके बाद जस्ट तुरंत वीडियो हमने अपलोड करनी, मतलब रिकॉर्ड करने लगे थे इस वजह से, क्योंकि मॉर्निंग में हमें ये रेसिपी बनानी थी इस वजह से। तो ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने परवल को फ्राई कर लिया है। अब इन परवल को हम बाहर निकाल कर रख लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल हम नहीं ऐड करेंगे। और इसी में हमें आगे क्या करना है ये भी देख लीजिए। देखिए पूरी वीडियो में बने रहेगा, लास्ट में जो मसाला बनाएंगे वो आप किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो देखिए आलू ले लेंगे, आलू एक ही साइज के कटे होंगे तो थोड़ा सा पकने में जल्दी होगी, आसानी होगी। तो ये देख सकते हैं इस तरह से, तो एक ही साइज के कटे हुए आलू हैं थोड़ा सा, तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो बढ़िया, जब तक गोल्डन फ्राई आलू कर लेते हैं। देखिए हल्के हल्के से फ्राई हो चुके हैं, तो क्या ही करना है इसका। तो चलिए देख लेते हैं, जब तक आलू फ्राई होते हैं तब तक मसाला बना लेते हैं हम इसका। तो ये ले लिया हमने हल्दी पाउडर, सिर्फ और सिर्फ 6 मसालों से मिल करके ये सब्जी बनी होगी। और ये ले लिया है धनिया पाउडर, हींग, और बस पानी से हम बना लेंगे घोल इसका, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, तो बहुत ज्यादा मसाले नहीं हमने यूज करे हैं, मसाले भी बहुत कम यूज करे हैं। देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं और मिर्च डालना भूल गए थे, तो मिर्च डाल लेते हैं मसाले में। तो ये 4 मसाले हमारे हो चुके हैं, बस इन्हीं 4 मसालों से हम बनाएंगे सब्जी। तो इसमें हमने 1 स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि फ्राई करने के बाद ऑयल थोड़ा सा ज्यादा पक जाता है तो सब्जी में दिखता नहीं है ऊपर। तो ये देखिए जीरा डाल दिया 1 स्पून, और वही पेस्ट बनाकर रखा था मसाले का वो डाल देंगे। पेस्ट बनाने से ये हो जाता है ना, हमारे मसाले जलते नहीं है ऑयल में जाते ही, सूखे मसाले जल्दी ड्राई, मतलब ड्राई मसाले जो होते हैं वो जल्दी से जल जाते हैं, इसलिए। तो इनको हम फ्राई कर लेंगे, तो मसाले फ्राई हो चुके हैं जल्दी से। और आप देखिए इसमें हम आलू डालकर आलू को भी मसाले के साथ फ्राई करेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो इसमें गाइस आप हम परवल भी अपना देखिए, परवल देखिए इस तरह से फोड़ रहे थे, तो परवल पका हुआ नहीं है बहुत ज्यादा, सिर्फ 50% पका हुआ है, कुक हुआ है। तो आप देखिए आगे देख लेते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, इसको आलूओं को फ्राई कर लेंगे अच्छे से मसाले के साथ, और नमक डाल देंगे। तो हम बहुत थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने नमक पहले से ही आलू में डाल रखा था मीठे की वजह से। आप अपना टेस्ट के हिसाब से देखिए, ये बेसिक से मसाले हैं, वही सब्जी बना रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से मसाले आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं मसाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हम परवल और आलू को फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सूखी नहीं बना रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं बना रहे हैं, और बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में भी नहीं बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से पानी ऐड कर दिया है इसमें, आप इसे पकने देंगे। कस्तूरी मेथी ले लेंगे, तो इसको हम मसल कर डालेंगे। देखिए कस्तूरी मेथी मसल कर डालने से पॉम की मदद से जब मसलते हैं ना, तो वो कस्तूरी मेथी में गर्माहट आती है, गर्माहट आने की वजह से उसका फ्लेवर बढ़ जाता है, स्मेल बढ़ जाती है। तो इसको ढक करके हम कुक करेंगे इस तरह से, ये देखिए कुक होने लगी है। तो इसको हम ओपन करके चला लेंगे और इसे हम अच्छे से कुक करेंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए आलू को फोल्ड कर देख लेंगे इस तरह से। अगर आपके आलू पक फूट जाते हैं अच्छे से धीरे से, तो आपकी सब्जी बन चुकी है। अगर आप नहीं पकते हैं तो नहीं, अभी थोड़ी देर और कुक कर लेते हैं। देखिए हमारी कुक हो चुकी है सब्जी, तो इसमें क्या करेंगे, मसाला बना लेंगे। तो 1 स्पून ले लिया है धनिया, 1/2 स्पून जीरा, 4 काली मिर्च, और अब एक ले लेंगे हरी इलायची, और एक ले लेंगे बड़ी इलायची, लाल इलायची। हरी इलायची अगर नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, मगर लाल इलायची जरूर डालिएगा इस मसाले में, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए सब्जी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, तो इसकी ग्रेवी हम इसी तरह से रखेंगे। और देखिए आलू भी आसानी से फूट रहा है, तो बस गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और अपना मसाला देख लेते हैं। तो इस मसाले को क्या है, सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, हल्का हल्का धीमी फ्लेम पर करना है, जिससे कि इसमें जो ऑयल होते हैं मसालों में वो निकल कर आए और ये अच्छे से कुक हो जाए। हमें जलाना नहीं है मसालों को, बस फ्राई करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, ये देखिए इस तरह से।
तो ये हमारे 1 मिनट में ही रोस्ट हो जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखिए रोस्ट हो चुके हैं, तो अपनी फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए, ये देखिए ऑफ कर दिया है फ्लेम को, और आप इस तरह से हम चलाते हुए इसको ठंडा करेंगे और अलग प्लेट पर निकाल कर रख लेंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए सारी चीजों को हम निकाल लिया है। तो अब देखिए सबसे पहले हम डाल देंगे इलायची इसमें, बड़ी वाली, उसको कूट लेंगे, क्योंकि इसमें हम छिलके का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दानों का यूज करेंगे। छिलका भी फेंकेगा नहीं, आप जब मसाले पीसते हैं सब्जी के लिए तो उसमें यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए हरी इलायची उसको भी डालकर कूट लेंगे, ताकि उसका भी छिलका अलग हो जाए, दाने दाने निकल कर आ जाए। ये देखिए इसको आप चाय में यूज कर सकते हैं, छिलके को भी फेंकने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेवर होता है। अब हम जो मसाले भून कर रखे थे वो सारे इसमें डाल देंगे और कूट लेंगे। तो ये गाइस ये मसाला आप किसी भी चीज में डालें, बिल्कुल अच्छे से अमेजिंग सा टेस्ट आता है इस तरह से। तो कूट लेंगे और आप अपनी सब्जी में हम इस मसाले को डाल देंगे, जिससे टेस्ट निकल कर आएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ढक्कन हटा लिया है, और अब देखिए मसाले को डाल देंगे और अपनी सब्जी को सर्व करेंगे। एक बात और बोल दें कि अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई है। थोड़ा सा मोटिवेशनल के लिए एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। तो अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट किसी अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।